हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि हाउ टू बूस्ट मेमोरी पावर पर है। आपने गौर किया होगा, कुछ लोगों को सहजता से महत्वपूर्ण जानकारी याद रह जाती है और वे जल्दी से नई चीजें समझने में सक्षम होते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति मनुष्य के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। मस्तिष्क किसी घटना से जुड़े विशेष पैटर्न में सिग्नल भेजता है जो हमारे न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बनाता है, जिन्हें सिनेप्सिस कहा जाता है। और इन सिनेप्सिस को मजबूत करने के बहुत सारे उपाय हैं। फर्स्ट, राइट इट डाउन। लेखन से आपके मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है जो कि अपनी याददाश्त बढ़ाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते समय नोट बना सकते हैं या एक ब्लॉक लिख सकते हैं। ये सभी एक्टिविटीज आपको अपनी याद करने की क्षमता को बढ़ाती है। सेकंड, विजुअल कॉन्सेप्ट। स्मरण शक्ति बढ़ाने और याद रखने का सबसे अच्छा शानदार तरीका यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं उसको अपने मस्तिष्क में विजुलाइज कीजिए। फोटोग्राफ, चार्ट और अन्य ग्राफिक्स जो आपकी बुक्स में दिखाई देते हैं उन पर ध्यान दीजिए। यदि आप एक बुक की स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आप जो याद करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी एक मानसिक छवि बनाने की कोशिश करें। यह मानसिक छवि जितनी अधिक स्पष्ट होगी उतना ही अधिक आपको याद रहेगा। थर्ड, किसी और को सिखाओ। जोर से पढ़ना याददाश्त में सुधार करने के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है। इस विचार के आगे तथ्य यह है कि मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों ने यह पाया है कि जब हम कोई बात या अवधारणा किसी और को सिखाते हैं तो हम उस बात को बड़ी आसानी से याद रख पाते हैं। फोर्थ, पे अटेंशन टू योर सराउंडिंग। यह सचेत रहने से जुड़ा है। आसपास की चीजों और अपने परिवेश की एक मानसिक फोटोग्राफ बनाने का अभ्यास करें। सभी बातों पर ध्यान दें, जैसे खुशबू, लो, मौसम इत्यादि। नेक्स्ट है, मल्टीटास्किंग से बचें। अध्ययन से पता चला है कि हमारा दिमाग कुशलतापूर्वक कार्यों के बीच में स्विच नहीं कर सकता है, जिसका अर्थ है कि जब आप एक काम के साथ कई और काम करते हैं तब आप वास्तव में कुछ नहीं कर रहे होते हैं। स्टडी से यह भी पता चला है कि मल्टी स्किलिंग करते हुए हम कम सीखते हैं और अपना समय अधिक बर्बाद करते हैं। डेवलप क्रिएटिविटी एंड लर्न न्यू थिंग्स। नई भाषा सीखें, चित्रकारी करें, अपनी कैपेबिलिटी में वृद्धि करें। नई चीजें सीखने से तथा रचनात्मक कार्य करने से आपका दिमाग सक्रिय रहता है। रिपीट थिंग्स। यदि आप अपने दिमाग में कोई मेमोरी स्थापित करना चाहते हैं तो उसे बार बार दोहराएं। जैसे आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे हाथ मिलाते समय उसका नाम दोहराएं। जब आप बातचीत खत्म कर रहे हो तब उसका नाम फिर से कहें। यदि आपको अजीब लगता है तो आप अपने मन में कह सकते हैं। क्रिएट कनेक्शंस। आप अपनी दिनचर्या में जो भी देखते हैं उससे कनेक्शन बनाने से आप अपनी मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जिस सड़क से आप गुजरे उसकी कोई खास निशानी, जैसे कोई बड़ी दुकान या शोरूम या हॉस्पिटल को याद रखने से रास्ते को याद रखना आसान हो जाता है। किसी मोबाइल नंबर को याद रखने के लिए आप उसे अपनी जन्मतिथि या शादी की वर्षगांठ से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। टेस्ट योर सेल्फ डेली। दिन भर में खुद का थोड़ा परीक्षण करें। उदाहरण के लिए, जब आप एक दुकान छोड़ देते हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि आपने दुकान में क्या देखा था। विभिन्न वर्गों के स्थान, दुकानदार के बारे में, उसके बाल, आंखें, शर्ट का रंग आदि स्वयं को टेस्ट करें। इससे आपकी मेमोरी पावर में सुधार होगा। तनाव को दूर करें। मेडिटेट एवरी डे। प्रतिदिन कम से कम 10 से 30 मिनट का ध्यान करने से आपके मस्तिष्क में परिवर्तन आता है और तनाव दूर होता है। सुबह का समय ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा होता है। मेडिटेशन आपको स्वयं से मिलाता है, जिससे आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। योगा। योग भी आपके मस्तिष्क में परिवर्तन करता है। शोध बताते हैं कि तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने के अलावा योग उम्र के साथ सिकुड़ने से मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। दिलचस्प बात यह है, योग मुख्यतः दिमाग के बाएं हेमिस्फीयर को सिकुड़ने से रोकता है, जो कि उत्साह और खुशी जैसे सकारात्मक भावनाओं के साथ जुड़ा होता है। नियमित रूप से व्यायाम। व्यायाम से सिर्फ शरीर का व्यायाम नहीं होता है,
यह आपके दिमाग का भी व्यायाम करने में मदद करता है। मोटापा और अधिक वजन जैसे रोगों से अंततः मस्तिष्क को गंभीर नुकसान होता है। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम न करने से धमनियों में पट्टिका जमने लगता है और आपकी रक्त वाहिकाएं प्रभावी रूप से रक्त पंप करने की क्षमता खोने लगती हैं। पट्टिका जमने से रक्त द्वारा आपके मस्तिष्क में पहुंचने वाली ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की मात्रा में कमी हो जाती है। किसी दिलचस्प गतिविधि द्वारा भी व्यायाम कर सकते हैं, जैसे तैरना, स्पोर्ट क्लब में शामिल हो जाना आदि। पर्याप्त नींद लें। हर व्यक्ति को पर्याप्त रूप से 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। नींद के दौरान मस्तिष्क हाल ही में प्राप्त जानकारी और यादों को स्थिर करता है। पर्याप्त नींद प्राप्त करने से आपका पूरा स्पेक्ट्रम रात चक्र पार करते हैं, जो कि जागने के दौरान अच्छे मस्तिष्क के लिए आवश्यक है। दिन में थकान के वक्त ली गई छोटी सी भी झपकी आपके मस्तिष्क को फिर से रिचार्ज कर देती है। संगठित हो जाओ। हर चीज के लिए विशेष स्थान का चयन कीजिए और फिर लगातार उन्हें वहीं रखने से जीवन में तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। रोजमर्रा के कार्यों में संगठित तरीके से करने से आपका दिमाग स्वतंत्र हो जाता है, इससे महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। मिलजुल जिन लोगों के साथ आप समय बिताने में अच्छा महसूस करते हैं, उनके साथ समय बिताएं। सामाजिकता से चिंता कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे तनाव दूर होता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग में कटौती करने से आपके मस्तिष्क में सुधार आ जाता है और आप अधिक गहराई से सोच सकते हैं। हंसो। शोध बताते हैं कि हंसी से मनुष्य की शॉर्ट टर्म मेमोरी में सुधार होता है। हंसने से एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्राव बढ़ता है, जिससे आपके तर्क क्षमता बढ़ती है और तनाव कम होता है। संगीत सुनो। रिसर्च से पता चला है कि संगीत के कुछ प्रकार याददाश्त सुधारने में बहुत मददगार रहे हैं। सूचना जो कि एक विशेष संगीत या संग्रह सुनते हैं समय सीखी गई हो, उसे अक्सर उसी गीत के बारे में सोचने या मन में गाने से याद किया जा सकता है। गीत और संगीत विशेष यादों को वापस लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अपने आहार में सुधार, एंटीऑक्सीडेंट खाओ। स्टडी से पता चला है कि एंटीऑक्सीडेंट विशेष रूप से ब्लैकबेरीज मस्तिष्क की रक्षा करती है। अनार भी एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स है। चाय में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। चाय द्वारा कैफीन की छोटी सी मात्रा मेमोरी बढ़ाने में मदद करती है, जो कि एकाग्रता और स्मृति को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी होता है। ईट हेल्दी फैट्स। नट और बीज विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं, जो उम्र के साथ जुड़ी संघनात्मक गिरावट को कम करने में मदद करते हैं। भोजन में साबुत अनाज हृदय स्वस्थ, जो मस्तिष्क सहित पूरे शरीर में रक्त प्रवाह करता है। ड्रिंक इनफ वाटर। मस्तिष्क लगभग 80% पानी से बना है। अधिक समय तक पानी नहीं पीने से या पर्याप्त रूप से पानी नहीं पीने से मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि हाउ टू बूस्ट मेमोरी पावर पर बना यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल रामरतन कुशवाहा को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं जल्द ही आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।